हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी आगामी फिल्म आदि पुरुष में निभाए जाने वाले किरदार को लेकर क्या बात की, ये समझ लीजिए कि वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। माफी मांग चुके हैं लेकिन उसके बाद भी लोग उन्हें बख्शने के मूड में नहीं हैं और अब ये पूरा मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया है। दरअसल एक अधिवक्ता है हिमांशु श्रीवास्तव, उन्होंने एक दूसरे एडवोकेट उपेंद्र विक्रम सिंह के जरिए एक याचिका दाखिल की है कोर्ट में और इस याचिका में ये कहा गया है कि जिस तरीके का बयान सैफ अली खान ने दिया है वो बहुत ज्यादा आहत कर देने वाला है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट 23 दिसंबर को करने वाली है। सैफ अली खान के वकील अपने पक्ष में दलीलें देंगे और साथ ही साथ ये जो वकील हैं जिन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है ये अपनी दलीलें पेश करेंगे। 23 दिसंबर को क्या होगा कोर्ट में ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया पर इस बयानबाजी के बाद, माफी मांगने के बाद भी लगातार सैफ अली खान को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं ओम राउत से, जो कि फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, कि सैफ अली खान को फिल्म से बाहर निकाल दो। बता दें आपको, सैफ अली खान ने फिल्म में वो लंकेश का किरदार निभा रही हैं, ये पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, और इसी किरदार को डिस्क्राइब करते हुए एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा था कि लंकेश का जो किरदार है वो हम उसे काफी मनोरंजक बनाने वाले हैं और सीता का अपहरण और राम के साथ हुए युद्ध की वजह को हम क्लियर करते हुए उसकी बहन के लिए बदले की भावना से जोड़कर दिखाएंगे। रावण की बहन सूर्पनखा, जिसकी नाक को लक्ष्मण ने काट दिया था। जैसे ही ये बयान सैफ अली खान का मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर आया, बवाल मच गया था। हालांकि उसके बाद सैफ ने माफी भी मांग ली थी, उन्होंने कहा था कि हमने किसी भी तरह के फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, वो बस एक बात मैंने अपनी रखी थी, उसका मतलब ये नहीं कि हम फिल्म में इसी तरीके से दिखाएंगे। मतलब इस तरह की सफाई उन्होंने पेश की लेकिन उस सफाई का नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल सैफ अली खान ने जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया उसके बाद माफी मांगी और उसके बाद जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।